देखिए ये 7th क्लास आरएस अग्रवाल का है, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इसका देखिए तो सॉल्यूशन क्या होगा, 7.1 में 73.92 इंटू 10, एक पर एक जीरो है, जब एक पर एक जीरो से किसी डेसिमल वाला अंक में, किसी डेसिमल वाला नंबर में, किसी डेसिमल वाला नंबर में अगर एक पर एक जीरो से इंटू करते हैं तो हमारा क्या होता है कि ये डेसिमल राइट साइड एक अंक शिफ्ट कर जाता है, एक डिजिट शिफ्ट करता है, ये डेसिमल इधर एक डिजिट चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 739.2 लिख सकते हैं, इंटू हो गया शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट टू दी राइट, टू दी राइट बाई वन प्लेस, मतलब एक प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में, टेन से करेंगे तो। उसी तरीका से अगर ये करते हम 7.54 इंटू 10 तो हो जाता, ये हो जाता 775.4, इस तरह से एक डिजिट इधर चला आता डेसिमल, ठीक है, नोट कीजिए। देखिए फाइंड द प्रोडक्ट, ये अगर एक पर दो जीरो है तब एक पर दो जीरो है, बाकी सब बनाना होता है, एक दो हम बताते हैं, बाकी सब बनाना होता है आपको। देखिए यहां पर क्या है, एक में 2.397 इंटू 100 ये है, ये वाला नंबर लिए। अब क्या हुआ, ये वाला जब ले लिए तो हमारा एक पर दो जीरो है, दो जीरो है ना, तो डेसिमल टू डिजिट राइट साइड चला जाएगा, राइट साइड टू डिजिट चला जाएगा, ये हो जाएगा 39.7, क्योंकि एक पर दो जीरो है तो दो डेसिमल दो डिजिट इधर जाएगा। अब इसको इंग्लिश में लिखेंगे, शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट टू राइट बाय टू प्लेस, ठीक है। अगर वही रहता 6 नंबर 0.003 इंटू 100 तो ये होता, डेसिमल यहां से दो प्लेस इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 100 हो गया 0.3 हो जाएगा। देखिए यहां पर है फाइंड द प्रोडक्ट, ये एक पर तीन जीरो वाला है तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, 6.7314 इंटू 100 तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए एक पर तीन जीरो है तो डेसिमल राइट साइड में तीन डिजिट चला जाएगा, एक दो तीन यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। वही हम लिख देंगे शिफ्टिंग डेसिमल जो लिखे हैं इससे पहले बाय थ्री प्लेसेस, ठीक है, लिख देंगे। फिर यहां पर देखिए इसका दो नंबर 0.128 इंटू 100,000 ये हो जाएगा 128, ये इतना हो जाएगा क्योंकि डेसिमल यहां जाएगा यहां जाएगा यहां जाएगा तो इसका यहां पर आएगा तो इसके बाद कोई अंक नहीं है तो 128 हो जाएगा। देखिए यहां पर प्रोडक्ट इसका निकालना है तो एक बताएंगे बाकी सब आपको बनाना है। देखिए कोई दो नंबर ही हम बताते हैं, यहां पर है 365 इंटू 19 3.65 इंटू 19, इसका डेसिमल का इंटू कैसे करना है तो क्या करेंगे हम, पहले 365 और 19 का इंटू कर लेंगे,
365 बिना डेसिमल का, बिना डेसिमल का इंटू कर लेंगे, ठीक है, बिना डेसिमल का इंटू कर लेंगे पहले। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 9 से पहले इंटू करेंगे, 9 पचे 45, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 छक 54, 54 4 58 के 8 हासिल 5, 9 3 27, 27 5 32। अब देखिए एक से करेंगे, 1 5 का 5, 1 6 का 6, 1 3 का 3, ये जोड़ दीजिए, ये 5, ये हुआ 5 13 का 3, 8 1 9, ये 6, मतलब हमारा इसका हुआ 365 × 19 जो आया, ये आया 6935 आया। लेकिन हमको तो ये नहीं निकालना है, हमको तो यहाँ 3.65 निकालना है, इसलिए देखिए 3.65 × 19 होगा, तो पहले इसको उतारेंगे, उतारिए 6935 हो गया। देखिए डेसिमल कितना अंक के पद है, 1 2 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, मतलब डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, इसमें तो डेसिमल नहीं है, इधर डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, तो इधर से 2 प्लेस के बाद डेसिमल रख देंगे, 1 2 2 डेसिमल प्लेस के बाद इस ई नंबर को उतारेंगे, और उसके बाद इधर से 2 प्लेस के बाद डेसिमल रख देंगे, क्योंकि यहां पर डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल रख देंगे, हो गया इनटू, बाकी सब आपको बनाना है। देखिए बात यह है कि आंख में बहुत लाइट आ रहा है, इसलिए हम बार बार आपके तरफ आई कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम बोलेंगे उसी को आपको समझना है, ठीक है, आई कांटेक्ट बार बार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइट आंख में आ रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लैश का और ये लाइट का, कैमरा का लाइट आ रहा है। देखिए अब हमको इससे पहले किए थे, एक में डेसिमल था एक में डेसिमल नहीं था, 4 नंबर में एक में डेसिमल था एक में डेसिमल नहीं था, अब इसमें दोनों में डेसिमल है, तो देखिए कैसे करेंगे, हम ले लेते हैं कोई 7.6 × 2.4, तो हम इंटू पहले करेंगे कैसे, इसको इंटू करेंगे, इसको इंटू करेंगे हम नाउ बिना डेसिमल का, 76 × 24, डेसिमल हटा देंगे, डेसिमल हटाने के बाद इंटू कर देंगे, तो इंटू करेंगे तो कितना होगा, 76 और 24 का इंटू, देखिए हमारा इंटू होगा 76 × 24 इंटू होगा, देखिए इंटू करने का तरीका पहले समझिए, 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 7 28, 28 2 30, 2 6 12, 2 7 14, 1 15, जोड़ दीजिए 4 2 8 1, इतना हुआ। देखिए तो अब हमारा क्या होगा, सम ऑफ डेसिमल इन गिवेन डेसिमल, इन गिवेन डेसिमल में सम ऑफ डेसिमल क्या हुआ, देखिए दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, सम ऑफ डेसिमल प्लेस, प्लेस लिखिए, सम ऑफ डेसिमल प्लेस, सॉरी प्लेस लिखेंगे, सम ऑफ डेसिमल प्लेस इन गिवेन डेसिमल, देखिए सम ऑफ डेसिमल प्लेस इन गिवेन डेसिमल, डेसिमल के बाद एक अंक, डेसिमल के बाद एक अंक, तो हमारा क्या होगा, 1 + 1 2, तो हमारा डेसिमल कहाँ आएगा, देखिए डेसिमल सम ऑफ, देखिए अब 7.6 × 2.4 का इंटू करेंगे, ये लिखेंगे 8
1, 2, 4। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा डेसिमल, देखिए इसके बाद एक अंक के बाद, इसके बाद डेसिमल मतलब एक अंक के बाद डेसिमल, यहां पर भी एक अंक के बाद डेसिमल, एक डिजिट के बाद डेसिमल, एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो यहां पर एक एक दो डिजिट हो गया, तो इधर से दो डिजिट, एक दो, दो डिजिट के बाद डेसिमल होगा, ठीक है। देखिए इसका क्या होगा, अब नाउ यहां पर डेसिमल हटा देंगे, बिना डेसिमल का पहले करेंगे, इनटू 63, या डेसिमल हटा दिए, डेसिमल हटा दिए, ये हुआ देखिए 3 × 5 = 15 का 5 हासिल एक, 3 × 4 = 12, 12 × 1 = 13 का 3 हासिल एक, 3 × 3 = 9 = 10, 6 × 5 = 30 हासिल 3, 6 × 4 = 24, 3 × 27 = 7 हासिल 2, 6 × 3 = 18 = 20 जोड़ दीजिए 0, 3, 7, 1, 2 ये आया। देखिए यहां पर लिखेंगे डेसिमल प्लेसेस इन सम ऑफ, सॉरी सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन गिवन डेसिमल, देखिए कितना होगा यहां पर डेसिमल में, देखिए डेसिमल जो है एक एक दो, दो डिजिट है डेसिमल के बाद, दो डिजिट है यहां भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहां 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, मतलब 3 डिजिट के बाद अब डेसिमल पड़ेगा, तो अब क्या होगा लिखेंगे 3.45 × 6.3। अब देखिए डेसिमल के बाद इधर 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा 21730। तो अब कहां पर लगाएंगे हम डेसिमल, सॉरी 30 नहीं, यहां पर 5 होगा, यहां पर भी 5 होगा, तो डेसिमल कहां लगाएंगे, तो डेसिमल देखिए डेसिमल कहां लगाएंगे, तो डेसिमल यहां पर 3 प्लेस के बाद इधर से 1, 2, 3 यहां पर डेसिमल लगाएंगे। इसी के साथ मेरा काम कैसा लगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।